हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कि कैसे हम पाइथन में स्क्रिप्ट बना सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। सबसे पहले हम सिंपल तरीके से वेरिएबल में असाइन करेंगे वैल्यू को और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। पी नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम प्रिंसिपल अमाउंट रखेंगे 1000 होगा। आर नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम रेट रखेंगे, इस रेट से हमें इंटरेस्ट लेना है 3%। टी नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि टाइम को डिनोट करेगा और कितने साल के लिए हमें यूज करना है, 2 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड करेंगे 100 से। प्रिंसिपल रेट टाइम तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से और प्रिंट फंक्शन की मदद से हम एक मैसेज पास करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो वैल्यू आ जाएगा उसको हम यूज करेंगे और रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया है। अगर आप 1000 रुपए जमा करते हैं 3% रेट पे और 2 साल के लिए तो आपका अमाउंट होगा 60 रुपीज। अब हम इसी को यूजर से इनपुट करवाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पी नाम से एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम इनपुट करवाएंगे इंटर प्रिंसिपल अमाउंट और इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। आर नाम से एक वेरिएबल लेते हैं जो कि रेट होगा। फ्लोट फंक्शन का यूज करके हम जो यूजर इनपुट करेगा उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। इनपुट फंक्शन की मदद से इनपुट करवाएंगे, मैसेज पास करेंगे इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरीके से हम टाइम के लिए टी वेरिएबल बनाएंगे और मैसेज पास करेंगे टाइम। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि SI नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, पी इंटू आर इंटू टी इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, प्रिंट कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट। अब आप इसे रन करेंगे, आप देखेंगे हमारा आउटपुट आ रहा है इंटर प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 2000 होगा, इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 4% होगा, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब जैसे ही इंटर करोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 240 रुपए। अगर 2000 रुपए आप जमा करते हैं 4% की रेट पे और 3 साल के लिए तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा 240 रुपए। तो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट करवा सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट को। अब हम देखेंगे कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट को फंक्शन की मदद से। सिंपल इंटरेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर आर्गुमेंट लेंगे पी आर टी और प्रिंट कर देंगे एक एक करके सभी पैरामीटर को प्रिंसिपल अमाउंट पी। इस तरीके से आप कॉपी करोगे 3 बार और यहाँ पर चेंज करोगे मैसेज को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आर नाम से पैरामीटर है, टाइम पीरियड जो कि टी नाम से आर्गुमेंट है। अब आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड करोगे 100 से और प्रिंट फंक्शन की मदद से आप प्रिंट कर दोगे सिंपल इंटरेस्ट SI। फंक्शन के बाहर आ जाएंगे और जिस नाम से हमने फंक्शन को क्रिएट कराया है उस नाम से फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम 3000 पास करेंगे जो कि होगा प्रिंसिपल और रेट होगा 2% और जो टाइम होगा 3 साल का होगा। अब आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि हमारा आउटपुट आ गया है 3000। अमाउंट आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 2, टाइम पीरियड कितने का है 3 साल और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 180 रुपए। तो आप इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। आपने देखा सिंपल वेरिएबल में असाइन करके आप सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा, यूजर से इनपुट करवा के सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा और फंक्शन की मदद से आपने सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।